बहुत ही बढ़िया, कितना ऊपर तक लेके जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं था राजकोट के यूनिवर्सिटी रोड में और यहाँ पे एक भैया मिले जो कि अपना फ्रूट सेलिंग कर रहे हैं, और फ्रूट सेलिंग भी देख सकते हो जो कि अपना फ्रूट का जूस बना के। कौन कौन सा वैसे फ्रूट रहता है भाई अपने पास? पाइनएप्पल, मौसंबी, संतरा। अच्छा, पाइनएप्पल, मौसंबी और संतरा, और मिक्स भी कराना हो तो भी कर सकते हैं ना। और क्या क्या रेट रहेगा एक बार वो बता दीजिए। पाइनएप्पल का तो 50 रुपया है। अच्छा, मौसंबी का है तो वो बिना बर्फ का 50 का है। अच्छा, बाकी बर्फ वाला तो 40 रुपए का एकदम। अच्छा, फ्रेश। अच्छा, आपके सामने ऐसा छील के उसके बाद मशीन में डाल के बना के फिर दूंगा। अच्छा, और थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगा, अच्छा लगा तो अगर अच्छा लगा जी भैया तो पैसे देने का, वरना दूसरा बना के दूंगा। अच्छा भैया, ऐसा। और अगर किसी को मतलब कुछ डालना ही ना हो, सिर्फ ऐसे ही पीना हो तो भी प्लेन भी मिलता है ना? मसाला वगैरह डालना हो तो वो भी डाल देते हो ना? सर, जिसको जो चाहिए शक्कर मसाला तो डालता हूँ, एकदम प्योर नेचुरल जूस। अच्छा भैया, बहुत ही बढ़िया। तो देख सकते हो रेट कुछ इसी हिसाब से भैया ने रखा है जो कि बहुत ही सही है। उस हिसाब से तो जूस मतलब पीने का, वरना दूसरा बना के देता हूँ। पहले तो टेस्ट कराता हूँ, अच्छा लगा तो ठीक है। मतलब ये भी आप के ही करते हो ना सब कुछ? कस्टमर देख सकते हो वैसे तो भैया मतलब इतना तो श्योर है कि ये अच्छा ही लगने वाला है, तो ही ये अपना यही बोलते होंगे कि अच्छा लगे तो टेस्ट मतलब पीना, वरना फिर दूसरा बना के दे देंगे। तो आप देख सकते हो, तो अभी जो कट कर रहे हैं अभी ऑरेंज को देख सकते हो किस हिसाब से छील रहे हैं, किस स्पीड में छील रहे हैं। कोई भी मैंने इसमें इफेक्ट नहीं डाला हूँ या फिर फास्ट मोशन नहीं बढ़ाया हूँ, ये इनका हैंडमेड है। जब भी मैं छील के बनाऊंगा, वरना मैं बनाता मतलब लाइव ही करते हो ना? पहले से ऑलरेडी रेडी नहीं रखता हूं। आएंगे उसके बाद। वैसे कितना साल हो गया आपको ये करते हुए? ये करते हुए 9 साल हो गया। 9 साल हो गया कंटिन्यू यही ना? तो देख सकते हो अभी इतना सारा अपना मौसम भी जो है वो छील दिए है। कितना हो गया भैया, कितना छील दिया वैसे? हो गया होगा, देख सकते हो ये 3 4 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओहो, तो देख सकते हो। अगर मैं जल्दी में अगर छीलूंगा तो 4 मिनट में 41 मौसम भी छीलता हूं। 4 मिनट में? अरे बाप रे, देख सकते हो भैया का स्पीड 4 मिनट में 41 तक छील देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है भैया आपका स्पीड। आप तो ये कभी भी देख लो, आपके से हमने छीला हूँ, अभी देख लीजिए भाई साहब आए हैं बड़े भैया जी, इनको जूस बना के मैं पिला रहा हूँ। तो देखना अभी अभी इस मशीन से अपने ऑरेंज को क्रश किया जा रहा है और इस हिसाब से कुछ जूस निकला जा रहा है जो कि बर्फ ऊपर से रखा है। अगर आप बोलोगे कि बर्फ नहीं डालना है तो निकाल देते, निकाल देंगे इसके नीचे, अंदर बर्फ नहीं डालते। अच्छा, कोई भी मतलब डालते हैं बस। तो ये एक अच्छी चीज है भैया, इसमें ना कोई एसेंस डालते हैं ना कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं, कुछ नहीं यूज नहीं करता हूं, कोई पाउडर नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही बढ़िया भैया, तो बहुत ही नेचुरली ये चीज है और हेल्थ के लिए तो कह सकते हो बहुत ही फायदेमंद है। पहले भी 4 डाला था, अभी 3 डाल रहा हूं, फिर एक गिलास निकलता है। अच्छा, मतलब प्योर नेचुरल, इतना करने के बाद फिर जाके एक गिलास निकलता है क्योंकि प्योर नेचुरल रहता है ना। टोटल 7 तक डाले हो ना मौसम? 5 पड़ता है, जैसा जैसा रस रहेगा उतना डालना। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हो रेट के हिसाब से भैया ने कुछ गलत तो नहीं बोला है, उस हिसाब से रेट ले रहे हैं, रीजनेबल। तो ये कुछ इनका ग्लास का साइज है। कुछ भी डाला नहीं सर ऐसे ही। तो ये जो देख रहे हो इसमें कुछ भी मतलब कुछ एक चीज भी कुछ ऐड नहीं किए हैं, जो दिखाया हूँ लाइव कैसा नहीं लगा वो कुछ बता दें। अच्छा, जो देख रहे हो लाइव इसके अंदर से डाले हैं, मतलब मौसम भी के छील के फिर मशीन में से क्रश करके डाले। तो अंकल जी ठीक है ना वैसे, मतलब ऐसे भी पीने से भी अच्छा ही रहता है। तो ये वैसे कितना ले लियो? 5 लियो ना, मौसम भी देख सकते हो टोटल 5 लियो। इसमें कितना निकलेगा आपके, एक गिलास ही निकलेगा या वो? इसमें अगर रस रहेगा ज्यादा जी तो उसमें ज्यादा निकलता है। अच्छा, अगर नहीं रहेगा तो फिर ज्यादा भी डालना पड़ेगा, रस रहे तो इसे कम भी डालना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा, तो देख सकते हो अभी 5 ले लिए, बाकी अगर रस रहेगा तो ज्यादा निकलेगा, बाकी नहीं तो उससे ज्यादा भी डालना पड़ेगा। जो कि कटिंग देख सकते हो आप, बहुत ही स्पीडली कटिंग है और बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग कर रहे हैं। कहीं से भी जो मौसम भी है उसके अंदर से देख सकते हो कहीं से भी फट नहीं रहा है, बहुत ही गजब का स्पीड है वैसे भैया का। तो दोस्तों देख सकते हो अभी जो बना रही है मौसम भी अपना, तो देख सकते हो जो कि एक भी बूंद पड़ रहा है ऐसा नहीं है, माइनर सा पड़ रहा है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, कितना ऊपर तक लेके जा रहे हैं। तो ये है इनका रियल एक्सपीरियंस जो कि इसी 9 साल में दिखा दे रहा है कि 9 साल तक इसी लाइन पे इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है।
बहुत ही बढ़िया भाई साहब। तो अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दिया है जो कि अपना ऑरेंज था, तो अब इसे तैयार कर लिया है। अब कस्टमर जो खड़े हैं उनको फिर सर्व किया जाएगा, जो कि आप कह सकते हो जो कि टेस्ट तो आपको रियल फ्रूट की तरह ही देने वाला है। तो इसका अब मैं रिव्यू ही किया दूँ, जो आप फ्रूट घर में खाते हो उसी हिसाब से ही कुछ टेस्ट है। तो दोस्तों देख सकते हो अभी जो भैया है अपने पाइनएप्पल को कटिंग करने वाले हैं। इसका क्या रेट था भैया, बर्फ और बिना बर्फ का? कौन सा, पाइनएप्पल का? या नहीं, पाइनएप्पल का एक ही रेट है 50। एक ही रेट है, इसका रेट ज्यादा है। टमाटर का ही देख लो सर। हाँ वो भी बात है, एकदम नेचुरल फ्लेवर रहता है। तो पूरा एक छील ही दोगे ना? हाँ, पूरा छील। अच्छा जी भैया, आता है उतना हम बनाते हैं। तो देख सकते हो कोई पानी कुछ नहीं डालते हैं जी भैया, एकदम नेचुरली पिलाएंगे सर। तो देख सकते हो पूरा एक ही छील है जो कि बिना पानी का, यानी नेचुरली बनाने वाला है। अगर बर्फ चाहिए तो डालेंगे सर, नहीं चाहिए तो वो भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ठंडे के लिए डालना पड़ता है सर। हाँ भैया, वो भी डालता भी नहीं जी भैया। बहुत बढ़िया भैया, और मैंने कैमरा बंद किया था उसके पहले भी बहुत कस्टमर आ गए थे, तो मैंने मौसम्बी का पूछा था कि क्या है क्या नहीं, तो सबका यही कहना है कि नेचुरली जो चीज़ है वो नेचुरली ही पीना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। और भैया कोई फायदा नहीं सर, पर क्या है अपना क्या कोई कोई कस्टमर जो जैसा चाहिए वैसा देना पड़ता है। हाँ वो सही बोला। तो देख सकते हो अभी अपने पाइनएप्पल को बहुत अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है भैया ने। तो पूरा डालोगे या कम ही डालोगे? इतना आएगा सर उतना, आप देख सकते हो कितना डाल रहा हूँ कितना नहीं डाल रहा। अच्छा भैया, तो अभी जो मौसम भी डाला तो कोई मिक्स टेस्ट तो नहीं रहेगा ना? अच्छा भैया, तो डाल दीजिए। अच्छा ये डाल दिए हैं, देख सकते हो तीन, और ये तीन तक डाले हैं, अब ये चारवे डाले हैं। अब इसको अच्छी तरीके से पहले क्रश करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ से जो जूस निकल रहा है वो इसके अंदर जा रहा है, जो कि बर्फ अभी डाले नहीं है। तो इस चाशनी से देख सकते हो जो कि जो भी साफ है पूरा साफ होके ही अंदर जा रहा है अपने पाइनएप्पल। बढ़िया, ये निकला है इतना जो। अच्छा अच्छा, इतना मतलब एक ग्लास तो कंप्लीट ही हो गया? कंप्लीट हो गया, बचा एक है, इतना बचा है। अच्छा जी, अच्छा एक काटा था तो इतना बचा। तो एक ही बचा है, देख सकते हो आप, जो कि लाइव कटिंग किए थे पूरा सामने, फिर लाइव बना के ही दिए हैं। तो जलने का है? नहीं नहीं, ऐसे ही दे दो ना। तो जो कि ऐसे ही देने वाले हैं, जो कि मसाला नहीं डालते हैं, देखते हैं किस हिसाब से। वैसे तो आप नॉर्मली फ्रूट खाते ही होंगे, उस हिसाब का ही कुछ टेस्ट रहना है, जो कि जूसी वाला ही टेस्ट रहेगा। तो ये अपना ग्लास का साइज देख सकते हो आप, ये अपना पाइनएप्पल है, मतलब जो कि भैया ने अभी सामने देख सकते हो बना के ही दिया है। और वैसे कुछ डालवाया तो नहीं हूँ, बाकी आप डालवाना चाहो तो डाल सकते हो। शक्कर है, मसाला है भैया का। मसाले में क्या क्या रहता है भैया? मसाले में चाट मसाला रहता है, काला नमक रहता है, अपना खाने का नमक, जलजीरा रहता है, बहुत सारे मसाले मिक्स रहते हैं। अच्छा, एक बार अगर टेस्ट करेंगे अच्छा लगा तो ठीक है, वरना नेचुरल पीते कोई बात। तो अगर कुछ चटका पट्टा का मतलब टाइप चाहिए, यानी मसालेदार टाइप, तो ये कुछ बॉडी को इफेक्ट तो नहीं करेगा। बाकी ऐसे भी आप नेचुरली भी इसे टेस्ट कर सकते हो, जो कि देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से भैया ने सर्व किया है। वैसे ऑरेंज का मैंने दिखाया था इसलिए ऑरेंज नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, अब इसे पाइनएप्पल ही टेस्ट कर रहा हूँ। नॉट सो बैड गाइस, क्योंकि जो पाइनएप्पल जो आप रियल में जो टेस्ट करते हो कुछ इसी हिसाब से ही टेस्ट लग रहा है। अगर पेशेंट इसे ज़्यादातर यूज़ करें, शुगर के हो गए या डायबिटीज़ के हो गए, तो उनके लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है। और ऐसे भी अगर बिना पेशेंट, अगर आप पेशेंट नहीं हो तो भी आप इसे मॉर्निंग के टाइम या वॉकिंग के टाइम भी इसे टेस्ट कर सकते हो। अगर आप गुजरात के हो या आप राजकोट आने का सोच रहे हो तो एक बार भैया से पूछ लेते हैं इनका एड्रेस क्या रहेगा। तो भैया इनका प्रॉपर एड्रेस क्या रहेगा यहाँ का? इसका एड्रेस यही है, बीटी शिवानी किडनी हॉस्पिटल। अच्छा, पड़ता है पीछे। अच्छा मतलब अगर इसे आगे आ जाएंगे तो इधर पड़ेगा यूनिवर्सिटी गेट, उसके बाद बीच में। अच्छा, तो यहाँ तो सामने देख सकते हो क्योंकि यूनिवर्सिटी गेट है। और टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सर सुबह से स्टार्ट होता है 6:30 बजे। अच्छा जी, मॉर्निंग में, और शाम को नाइट में होता है 10:30। तो सभी दिन का यही है ना रूटीन? पूरा आखा दिन रहता है। तो सभी दिन का भैया का प्रॉपर रूटीन यही है, देख सकते हो अभी साथ साथ में फिर मौसम भी कट कर रहे हैं, जो कि वही स्पीडली कर रहे हैं, क्योंकि स्लो तो चल ही नहीं रहा है। नहीं भैया, मेरा स्पीड रहता क्योंकि मैं एनी टाइम ऐसे ही करता हूँ। अच्छा भैया, क्या है अपना छील के पहले से रेडी करके नहीं रखता। हाँ वो भी क्या है, कोई आएगा तो अभी इनको कितना चाहिए, 16 ग्राम चाहिए, मतलब पूछ के ही देते हो। हाँ, पहले से कटिंग करके नहीं रखते हो? नहीं, तो वो बहुत ही बढ़िया है, जो कि लाइव आपको यहाँ पे फ्रेश मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगा है। और टेस्ट के लिए ऐसे अगर आप इसे नॉर्मली फ्रूट तो टेस्ट करते हो, तो जूस अगर आप टेस्ट करना चाहो बहुत ही अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा है। बाकी अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा और अगर हेल्दी लगा तो अपने हेल्दी फ्रेंड को शेयर कर दो। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपको इसी के नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।